दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आप बच्चों को इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स के बारे में डिटेल में आपको करवाया था। इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाएंगे एक्सेप्शंस केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स नहीं होती है और ना ही डाउनवर्ड होती है। तो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने समझा था कि कुछ केस जो नॉर्मल केस होता है उसमें इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता है, इस तरीके का, यानी कि एक तो ये डाउनवर्ड होता है और दूसरा डाउनवर्ड होने के अलावा ये कॉन्वेक्स होता है, यानी कि इसका जो पेट है वो अंदर की तरफ होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उन परिस्थितियों के बारे में जिसमें इस तरीके की शेप नहीं होती है। तो बच्चों, दो से बहुत पॉपुलर है, जिसमें से एक शेप होती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस, और एक गुड्स एक ये वाली है जिसको हम कहते हैं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस। तो आमतौर पर बच्चों यही आपसे पूछा जाता है, लेकिन एडवांस लेवल पे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको और भी शेप के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको इस तरीके की शेप कब बनती है वो भी बताऊंगा, इस तरीके की शेप कब बनती है वो भी बताऊंगा, यानी कि इस तरीके की शेप कैसी होती है, इस तरीके की शेप कब बनती है, सब कुछ के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो बच्चों, अगर आपने आप चाहते हैं हमारा पूरा कोर्स एक्सेस करना, तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको सिस्टमेटिकल तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं, अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में अब हमने डाउनलोड के अब आप हमारा जो एप्लीकेशन उसमें 3 डॉट में आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा। स्टडी मटेरियल के अंदर जो हमने इस नोट्स को अपलोड करना कर रहे हैं, मतलब आप वहां से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपको अपने टॉपिक पे वापस आ जाता हूं, टॉपिक स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम एक्सेप्शन शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिसमें से पहला है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक्स गुड्स और वाई गुड्स, दो गुड्स हम लेके चल रहे हैं, तो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स तब कहलाएंगे जब हम आपको एक्स को बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाते हैं हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो फॉल करेगी, लेकिन इस केस में क्योंकि एक्स और वाई परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, इसलिए अगर हम एक्स को क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और वाई की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि हम एक ऐसी कंडीशन मान के चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में हमने क्या किया, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक है, और हमने क्या किया, एक 500 ml की बोतल खरीदी और एक 1 लीटर की बोतल खरीदी। तो आपके लिए एक ग्लास की यूटिलिटी, चाहे वो 500 ml से आप एक ग्लास बनाओ, चाहे आप 1 लीटर से एक ग्लास बनाओ, आपके लिए दोनों की यूटिलिटी जो है एक ग्लास की वो बराबर बराबर होगी। इसीलिए इस केस में जब एक गुड्स सेम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, यानी कि आपकी जो वांट्स है, चाहे आप 500 लीटर की कोल्ड ड्रिंक से बोतल से कोल्ड ड्रिंक पिए या 1 लीटर की बोतल से कोल्ड ड्रिंक पिए, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आने वाला है। इसीलिए इस तरीके के केस में आपकी जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, यानी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन में होगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक बार समझाता हूं पूरी तरीके से इसका क्या मतलब है। बच्चों, यहां पे समझा देता हूं बिल्कुल आसानी से। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स गुड्स है और ये हमारी वाई गुड्स है। हम मान लेते हैं हमारे पास में 10y है, 1x और 10y है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है 1y, 1x और 10y। अब मान लीजिए कि हमारे लिए एक x जो है वो 2y के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक और x बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 2y का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि अब हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा हमें वो ये वाला मिलेगा। इसका मतलब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हमारा बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, टेक्निकली अगर हम कोई और गुड्स की बात करते तो इस केस में अब हम एक्स गुड्स की सेम क्वांटिटी के लिए वाई गुड्स की कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करते, क्योंकि अब हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो चुका है। लेकिन अब के केस में क्या होगा, क्योंकि एक्स और वाई आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब एक और एक्स के लिए हम 2 ही y का सेक्रीफाइस करेंगे, ये इसका मतलब है। और जब इस तरीके का बनाएंगे तो हमारा जो डायग्राम की शेप बनेगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा, इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनेगा। यानी कि इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बताता है कि अगर आप एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो आप सेम अमाउंट में वाई की क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करोगे, यानी कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी भी तरीके से कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
बेसिक बात आपको ये याद रखनी है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ हमने टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की है कि देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। When two goods are perfectly substitute of each other, their indifference curve will be straight line sloping downward from left to right. MRS, marginal rate of substitution, in such case constant, यानी कि इस केस में x के लिए 2y का सेक्रीफाइस किया, फिर एक और x के लिए 2y का सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है, एंड कंज्यूमर विल बी रेडी टू सेक्रीफाइस इक्वल क्वांटिटी ऑफ गुड्स y फॉर सेम अमाउंट ऑफ गुड्स x, यानी कि x और y के लिए इक्वल अमाउंट देने को तैयार होता है। हालांकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये हायर इंडिफरेंस कर्व को दिखा रहा है, ठीक है बच्चों, यानी कि ये वाला जैसे एक तो ये हो गया, लेकिन अगर गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो ऊंचे वाले इंडिफरेंस कर पे चला जाएगा। तो बच्चों बेसिकली बात याद रखनी है। इसके अलावा जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो इन्फिनिटी होती है। बच्चों ये वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो ये देख लें, बाकी का जो बेसिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि यूजी लेवल पे तो हम ये वीडियो मतलब ये वाला कंटेंट नहीं डालेंगे, लेकिन पीजी लेवल पे या हायर लेवल पे अगर आप हो तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू देखते हो, जिसमें हमने ये समझाया हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी कैसे होती है। तो बच्चों पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया। दूसरा पॉइंट की हम बात करें तो दूसरा पॉइंट कह रहा है व्हेन परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के इसमें इंडिफरेंस करके इस तरीके का होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती है जो मिलकर किसी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करती है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं तो लेफ्ट शूज और राइट शूज, दो शूज है, तो मान लीजिए अगर मेरे पास दो लेफ्ट पैर के शूज है और एक राइट पैर का शूज है, मान लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एक लेफ्ट पैर का शू है वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा, वो किसी भी तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए ये हमारा राइट पैर शूज है, यहां पे मैं आर लिख देता हूं, राइट लेग शू, और यहां पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट लेफ्ट लेग शू, ठीक है। तो हमने लेफ्ट राइट लेग और लेफ्ट लेग के लिख लिया, तो यानी कि मान लीजिए हमारी एक है राइट लेग शू और एक है हमारा लेफ्ट लेग शू, ये एक एक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारा एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो राइट लेग शू हो जाएं और लेफ्ट लेग शू हो जाए और राइट का एक ही रहे, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, हम उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये तीन हो जाए, मान लीजिए ये दो हो जाए और ये एक ही रहे, तो भी हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि एल एंगल बना लेगा, यानी कि ये जो कोने वाला है इस कोने पर जो पॉइंट होगा जितना सेटिस्फेक्शन वो देगा उतना ही सेटिस्फेक्शन ये देगा, उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको ये देगा। इसका मतलब क्योंकि ए बी और सी बराबर बराबर है, लेकिन ये इस शेप में है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो ए का यूज करता है और वो लेफ्ट के राइट के दो शूज के पास आ जाते हैं तो भी उसका सेटिस्फेक्शन वही रहेगा जो एक पैर के शूज के मतलब एक 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 लेफ्ट और एक राइट पैर के शू पे होता। हाँ, हालांकि अगर दोनों की क्वांटिटी बढ़ जाए तो डेफिनेटली उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है क्योंकि ये गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब इनका फिक्स प्रोपोर्शन में ही यूज होता है। इसी की वजह से इस वाले केस में अगर आप एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो और दूसरे की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाते हो तो जिस गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाई गई है वो व्यर्थ चली जाएगी, यानी कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ेगा। तो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए दो ही क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए इसकी जो शेप बनती है वो एल शेप की बनती है। और यहां पे जो कोना है इसको बोलते हैं किंग्ड शेप का होता है, इसलिए जब हम इक्विलिब्रियम लेवल आपको दिखाएंगे तो इस तरीके का इंडिफरेंस करके इसमें इक्विलिब्रियम बनता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इस पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं, देखिए चलिए मैं इस वाले पे आप वापस आ रहे थे हम इस वाले पे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके की शेप क्यों बनी है, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये जो पॉइंट है दिस वन ये आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर पहुंच जाओ ये वाला लेवल पे तो आपको दोनों के गुड्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, एक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाने से आपका काम चलेगा नहीं। एक्सप्लेन बच्चों हमने किया हुआ है, हमारे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तीसरी जो शेप है बच्चों वो आमतौर पर उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक हम डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। ये हम इसके बिल्कुल एक मिड में एक पॉइंट ले लेते हैं, बिल्कुल मिड में, जिसको कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ब्लिस पॉइंट कहा जाता है। ओके जी, यहां से हमने एक लाइन डाली और यहां से एक लाइन डाली, इसको हम चार हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब इन चार हिस्सों की विशेषताओं के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, ये हम एक्स गुड्स लिख रहे हैं बच्चों, आप बच्चों के लिए, ये वाई गुड्स लिख रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है, ये वाला जो लेवल है, इस वाला जिसको हम बोल रहे हैं एल और इसको हम बोल देते एम, ये हमारी गुड है, गुड, और ये हमारा बैड है, बैड, ठीक है, ये हमारा गुड है, ये बैड है, बैड, यानी कि यहां पे हमारी गुड्स जो है वो इकोनॉमिकल गुड है, ये हमारी इकोनॉमिकल बैड है। अगर हम दिशाओं की बात करें तो चार दिशाएं होती हैं बच्चों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस वाले की, यानी कि वेस्ट, और इस वाले की, दिस वन, ठीक है, इस वाले की वेस्ट, साउथ वेस्ट की। तो इस वाले केस में इस पॉइंट पर, क्योंकि ये गुड्स गुड गुड्स है और यहां पे भी गुड गुड्स है, इसलिए जब हमारा पहला केस बनेगा, यानी कि अगर हम इसको हम नाम दे दें ए बी सी और डी, तो जब हम एक की बात कर रहे हैं तो ये हमारा नॉर्मल केस है, यानी कि इस केस में इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होगा, जैसा कि ये दिखाया हुआ है इस तरीके का। तो अगर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करोगे तो ऊंचे की तरफ चला जाएगा, इस तरीके से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर हमारी गुड्स ऐसी है जो कि हम कह सकते हो कि एक्स गुड्स गुड है, एक्स इज बैड गुड्स, और वाई जो है वो गुड गुड है, यानी कि एक्स जो है वो बैड गुड्स है और वाई जो है वो गुड गुड है, गुड मतलब गुड गुड्स है, उस केस में किस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनेगा? उस केस में बच्चों इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व बनेगा, इस तरीके का, ऊपर की तरफ। यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि जो एक्स है वो आपकी इकोनॉमिकल बैड गुड्स है, जबकि वाई जो है वो इकोनॉमिकल गुड गुड्स है, और आपका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और जो प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व होगा वो ऊपर की तरफ चलेगा इस तरीके से। यानी कि दिस इज द प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व। प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व दिखाने के लिए मैं आपको एक और ग्राफ बना लेता हूं ऊपर की तरफ, यानी कि ये जो है ना, ये वाला, ये हमारा प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर्व है, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमें यही सब बताया हुआ है बच्चों। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों गुड्स ही बैड है, यानी कि एक्स भी बैड है और वाई भी बैड है, तो आपका डायग्राम इस शेप में ले लेगा, ऐसा, इस तरीके का, जैसा कि यहां पे दिखाया हुआ है, यानी कि दोनों ही गुड्स बैड हैं। अगर हम ये मान के चलें कि जो एक्स है वो हमारी गुड गुड्स में आएगा और वाई बैड गुड्स आएगी, तो हमारी जो शेप बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, इस तरीके की, और ये नीचे वाला ही प्रेफरेबल होगा, यानी कि इस केस में ये वाला प्रेफरेबल है। ये तब कहलाता है जब मान लीजिए यहां पे पॉल्यूशन में लिख दूं और यहां पे मान लो गार्बेज लिख देता हूं, यानी कि इस केस में गार्बेज यहां पे आ गया, यहां पे पॉपुलेशन आ गया, सॉरी पॉल्यूशन आ गया, तो आप कम गार्बेज और कम पॉल्यूशन को ही चुनोगे। इस वाले केस में यहां पे, क्योंकि ये गुड्स है, बैड गुड्स है, यानी कि यहां पे गार्बेज है और यहां पे पार्क है, ठीक है, तो इस तरीके का गुड्स बना दिया। यहां पे क्या है, यहां पे मान लीजिए हम ले लेते हैं पॉल्यूशन, और यहां पे मान लीजिए पार्क ले लिया। तो इस तरीके के अलग अलग केसेस में अलग अलग डायग्राम बनेंगे बच्चों। आप याद रखिएगा, इस वाली बात को याद रखिएगा कि ये गुड गुड्स के बारे में दिखा रहा है, तो आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। अगर मान लीजिए एक्स गुड्स बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा ऊपर की तरफ, अगर वाई गुड्स बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और दोनों गुड्स बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा बच्चों। मैं आपको अब यहां पर दिखा देता हूं। देखिए, बैड आर कमोडिटी विच आर कंज्यूम डज नॉट लाइक, कंज्यूमर डज नॉट लाइक, ही ऑलवेज प्रेफर टू हैव लेस बैड गुड बैड लाइक पॉल्यूशन, गार्बेज, स्मोक्स, नॉइस एक्सेट्रा। इफ गुड्स इज प्लॉटेड ऑन वाई, यानी कि एक अगर हम क्या करते हैं, जो पार्क है उसको यहां पर लिख देते हैं, इस जगह पे पार्क को लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं पॉल्यूशन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरीके का डायग्राम बनेगा।
और अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं पॉल्यूशन और यहाँ पे लिख देते हैं कोई गुड गुड्स का नाम लिख देते हैं तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और दोनों ही गुड्स इकोनॉमिकल बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया। एक और पॉइंट हमारा बचता है जिसमें न्यूट्रल गुड्स है। न्यूट्रल गुड्स क्या होता है कि कंज्यूमर उसका फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि जो सिगरेट है वो 100 रुपए की मिल रही है या 10 रुपए की मिल रही है या फ्री मिल रही है, क्योंकि वो लाइक ही नहीं करता, वो डिसलाइक करता है। और अगर इस तरीके का गुड्स होती है इसमें वो पूरी तरीके से डिसलाइक करता है, तो जो गुड्स डिसलाइक की गई है जैसे यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया गया है, डिसलाइक किया गया, यानी कि इस तरीके की गुड्स न्यूट्रल गुड्स होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर सिगरेट आ गया तो इस तरीके का इंडिफरेंस कर बन जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल भी उसकी केयर ही नहीं करता, ठीक है। और इस अगर मान लीजिए यहां पे न्यूट्रल गुड्स ले लेते हैं तो इस तरीके का बन जाएगा डायग्राम। तो बच्चों समराइज कर देते हैं एक बार हम आपको टॉपिक को, बिल्कुल सिंपल तरीके से समराइज कर देते हैं। देखिए आपको याद रखना है नंबर वन कि नॉर्मल कंडीशन में गुड्स ऐसी होती है, और आपको ये याद रख बना लेना है ग्राफ और ये 4 हिस्से बना लेने, ठीक है बच्चों। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एक्स और वाई दोनों नॉर्मल है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, दोनों बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, अगर एक्स बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और वाई बैड है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और गुड्स अगर न्यूट्रल है तो जिस पे न्यूट्रल लिखेंगे उसके बिल्कुल पैरेलल खड़ी हो जाएगी। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट है जो आपको एक्स्ट्रा के लिए बताए गए। इसके अलावा परफेक्टली सब्स्टिट्यूट और परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री तो आपको हर जगह याद करना है जहां पे भी एक्सेप्शंस के साथ हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।